सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज जो चर्चा होगी यह है भ्रम, यह विभ्रम। कभी कभी भ्रम ऐसा हो जाता है कि मनुष्य उसे सत्य मान लेता है और इस भ्रम से निकालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? मनोविज्ञान में इसका उपचार भी है, लेकिन कहाँ तक संभव है यह बताना बड़ा मुश्किल। इसी के आधार पे हम लोग एक छोटी सी कहानी, कथा, कुछ भी समझ लीजिए, उसको जानते हैं, तो शायद विस्तार से कुछ समझ में आ जाए। एक बार की घटना है, गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जो कि अब थोड़ा सा 60-70 की उनकी उम्र रही होगी। आप जानते हैं पहले के जमाने में लोग लोटा लेकर खेत में ही जाकर लैट्रिन किया करते थे, जिसे निपटान बोलते थे। बेचारे को बड़े जोर की आई थी। गए, संध्या वेला का समय था। जैसे ही वह खेत में बैठे और आगे थोड़ा सा कुछ झंखा टाइप का था और पीछे भी साइड में था, जैसे ही वो बैठे वैसे ही एक खरगोश सामने से झट से उनके नीचे से दोनों पैरों के बीच से निकल गया। जब दोनों के पैरों के बीच से वो निकला तो ऐसा लगा कि उन्हें लगा कि वह खरगोश नीचे से मेरे पेट में चला गया, और यह भ्रम उनके दिमाग में इस तरह से हावी हुआ कि समझा पाना मुश्किल हो गया। अब उन्हें न ही निपटान होता, अर्थात न ही लैट्रिन होता, न ही कुछ सूझता। बेचारे घर पे आके अपने बच्चों से बताने लगे, बच्चे बड़े उनके हो गए थे। उन्होंने कहा कि बेटा, मैं जब गया खेतों में बैठा तो ये खरगोश जैसे ही मैं बैठा मेरे नीचे से निकला, और मैं पीछे मुड़ के देखा खरगोश था ही नहीं, अर्थात वो खरगोश मेरे पेट में घुस गया, और खरगोश को पेट में घुसने की वजह से मुझे सही से निपटान भी नहीं हो रहा। बेटा, इसे जल्दी निकालो, किसी डॉक्टर के पास ले चलो। घर वाले बोले, पागल हो गए हैं का, खरगोश कहीं पेट में घुसता है? कुछ लोग कहने लगे कि लगता है बुढ़ा हो रहे हैं ना, इनका दिमाग थोड़ा पगला गया, सठिया गए हैं। अब बेचारे बहुत से लोगों से कहें, अपने गांव में आते जाते लोगों से कह रहा कि खरगोश था, वह मेरे पेट में भाई साहब घुस गया है। सब लोग बोला, अरे खरगोश नहीं घुसता है, आपका भ्रम है। लेकिन इस वास्तविकता को मानने के लिए वह दादा तैयार नहीं थे। उनके दिमाग में पूरी तरह से हावी हो गया, खरगोश मेरे पेट में घुस गया। कई डॉक्टरों के पास लोग ले गए उन्हें, डॉक्टर भी बोला खरगोश पेट में कैसे जा सकता है, खरगोश पेट में नहीं गया आपके है। अब इनको था कि खरगोश पेट में घुसा, कहे डॉक्टर पागल है, मैं थोड़ा नहीं पागल हूं, मेरे पेट में खरगोश घुसा है। और ये करते हुए महीनों हो गए, उन्हें लैट्रिन नहीं होता था, पेट फूलने लगा, यहाँ तक कि घास घूस भी खाने लगे, खरगोश खा रहा है, खाना भी खाते थे लेकिन लैट्रिन कभी नहीं होता था। इससे लोग चिंतित होने लगे कि क्या किया जाए, पेट फूलता जा रहा है, इन्हें कह रहा था खरगोश बड़ा हो रहा है, पेट में ही खरगोश बड़ा हो रहा है, इसको निकालो भाई, मेरी तबीयत थोड़ा सही होगी। सारे डॉक्टरों के पास ले गए, सभी डॉक्टर देखे और बोले खरगोश पेट में नहीं है, दवाई भी दी है उन्हें कि लैट्रिन हो जाए, लेकिन हुआ ही नहीं। क्योंकि कारण है ना, हम जैसा सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे ही शरीर के हार्मोन्स भी कार्य करने लगते हैं। लोग कहते हैं ना, जो व्यक्ति ज़्यादा चिंतित होता है उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक के खतरे जो होते हैं, मतलब
जो हृदय घातक होता है उससे खतरे बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक जो बोलते हैं। सोचने की वजह से ही किसी की ऐसा कुछ होता है कि ब्लड प्रेशर हाई होता है, उसकी मृत्यु होना निश्चय हो जाता है। तो यहाँ कोई क्यों नहीं समझ पा रहा है, उनको भ्रम हो गया है। सारे डॉक्टर जब अपना उपचार करके थक गए तो जानते ही लोग क्या कहते हैं, अरे बुढ़े हो गए हैं ऐसे ही बीतेगा। लेकिन बेचारे सबसे कहते थे, घर वाले बच्चे भी परेशान कि क्या किया जाए कि इनका दुख दूर हो। तब कोई गांव का ही आदमी मिला, उसने बोला ये खरगोश इनके पेट में हो या ना हो, लेकिन इनके मन में खरगोश है और वो मन का खरगोश इनके पेट में घूम रहा है, अब उसको निकाल दिया जाए। तो लोगों ने बोला ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, ऐसे भी डॉक्टर हैं जिन्हें मनोचिकित्सक बोलते हैं, जो मनोविज्ञान पढ़ के उस आधार पर कुछ ऐसा करते हैं, पढ़ाई करते हैं, वे लोग इस तरह का उपचार कर सकते हैं। लेकिन कहाँ तक संभव है यह कहा नहीं जा सकता, उनको एक बार दिखाते हम लोग हैं। तब मनोचिकित्सक के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाते हैं, उन्हें दिखाते हैं। पहले तो लोग मिल लिए होते हैं साइकोलॉजिस्ट के, देखिए हमारे यहाँ इससे प्रॉब्लम है, एक हमारे यहाँ परिवार के ही सदस्य हैं, उनके पेट में खरगोश घुस गया है। रियल में पेट में तो खरगोश घुसा नहीं, लेकिन मन में खरगोश है, क्या उपचार है? इतना तो साइकोलॉजिस्ट जान गए थे, डॉक्टर साहब थे। जैसे ही उनके कहते कल केवल लाना, जैसे ही केवल में उस जो व्यक्ति कह रहा था मेरे पेट में खरगोश घुस गया है, जैसे ही लोग लाते हैं, इंटर करते हैं, वो तुरंत बोलते रही इनकी तो पेट में बहुत बड़ा खरगोश है। अब वो दादाजी बड़े खुश होते रही, डॉक्टर तो बहुत अच्छा है, कहने लगा रही यही तो बतिया कह रहे थे सबसे कि मेरे पेट में खरगोश घुस गया, लेकिन सब मान ही नहीं रहे थे। करे नहीं, ये लोग ना समझे, मुझे दिखाई दे रहा है पेट में खरगोश है आपके, इसको निकालना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब निकालिए निकालिए निकालिए, एकदम दवा देना स्टार्ट कर रहे हैं, इसको खाइए आप, एकदम निकल जाएगा खरगोश आपका पेट से। अब उसको विश्वास हो गया, डॉक्टर साहब बहुत अच्छे खरगोश पकड़ लिए बिना बताएं, तो निकाल भी सकते हैं, एकदम ये बात जम गई। दवा दिए कि एकदम नियम पूर्वक खाइए, खरगोश निकालना है तो। अब वो व्यक्ति ले गया घर पर, दवा नियम पूर्वक खाने लगा। जब एक महीने बीत गए तो कहा कुछ हालचाल सही का, हाँ हाँ लगता तो है, कदम सही हो जाएंगे आप, दवा का असर हो रहा है धीरे धीरे। एक डेढ़ महीने जब टका लिए तब उनके बच्चों से बात किए, क्योंकि पूछ लिए थे खरगोश कैसा आप देखे थे, बता दिया था काला है थोड़ा सफ़ेद है, वैसा ही खरगोश। उनके बच्चों से कहा गया कि आप लोग ढूंढ कहीं से भी ले आइए, क्योंकि यह समय बीत रहा है, ड्रामा बहुत दिन तक नहीं चलेगा, यह पकड़ लेंगे फिर कभी नहीं जिंदगी में सही हो सकते हैं। और जिस हिसाब से उनकी बात किया गया लग रहा है कि सही हो जाएंगे, वैसा खरगोश लाइए। घर वाले उसी तरह खरगोश ढूंढने लगे और अंतोगत्वा एक दिन वैसा ही खरगोश मिल गया। डॉक्टर साहब से बताया गया, खरगोश मिल गया। डॉक्टर साहब कहे बस उपचार अब निश्चय है, कहीं उनको लेकर आइएगा मेरे यहाँ। लेकर गए तो कहें वो डॉक्टर साहब, आज जो मैं दवा दे रहा हूँ ना, इसको खाने के बाद आज खरगोश आपके पेट से पक्का निकल जाएगा। बोले एकदम, करिए इतने दिन से दवा आप खा रहे हैं, निकले क्यों नहीं, आज निकलेगा। बुढ़ा बहुत खुश, दवा खाए एकदम ताव से, और नीति गोली भी थी, वो सो गए। जब वो सो गए तो वैसा ही जो खरगोश बताया, तो वैसे खरगोश को मार के उनके पीछे रख दिया गया व्यवस्थित ढंग से, ताकि लगे कि हाँ उनके पीछे से ही खरगोश निकला है, अर्थात उनके पेट से खरगोश निकल गया है। और सब लोग आराम से सो गए। जब सुबह उनकी नींद खुलती है, होश में आते हैं, तो कहते अरे खरगोश तो निकल गया, और सबको मरा हुआ खरगोश दिखाने लगते हैं। सब बोलते अरे हाँ यार खरगोश तो निकल गया, सही में ही देखी खरगोश तो निकल गया। बड़े खुश होते हैं, कहते खरगोश निकल गया, इसके बाद में मसूरी बहुत दिन में लेटरिन लगा है, खेत की तरफ भागते और अपने पेट को साफ करते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे वो सही जाते हैं। तो उनके मन के खरगोश को निकालने के लिए एक रियल खरगोश ड्रामे के रूप में रखा गया, ताकि उनके मन का जो भ्रम है, जो मन रूपी खरगोश घुसा हुआ है उनके शरीर के अंदर, वो निकल सके।
यह मनोचिकित्सक आपकी मनोदशाओं को पकड़ता है और इस तरह के भ्रम को दूर करता है। तो अर्थात बात यह है कि जब हमारे मन में कोई बात घर कर जाती है ना, जल्दी वो नहीं निकलती है। किसी अच्छे व्यक्ति से आप मिलते हैं, वही इसका उपचार कर सकता है। बाकी तो आपकी बातों कोई नहीं सुन सकता है और न ही आप उसके बात से प्रभावित हो सकते हैं। तो मन का जो भ्रम होता है यह बड़ा खतरा, क्या बोलते हैं, बहुत खतरेबुल होता है। जो नहीं होता है वह भी दिखने लगता है और आप उसको महसूस करने लगते हैं। इतना महसूस करते हैं कि आपको प्रत्यक्ष दिखता है आंखों से, और ये बड़ा ही डराना हरकत होता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी दिन आने वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।